अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इंडियन किचन रेसिपी में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बची हुई रात की रोटी से बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल। जब आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो और फ्रिज में वेजिटेबल्स पड़े हो और रात की रोटी बची हुई हो, तो आप झटपट ये रेसिपी बनाएं। आप समोसा या कचौरी खाने के बजाय ये खाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास रात की रोटी बची हुई है। तो इसको हम स्वादिष्ट और मज़ेदार बनाने के लिए क्या करना है देख लेते हैं। तो हमने एक प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, एक बड़े आलू को हमने ग्रेटेड कर लिया है, थोड़ी सी बंद गोभी को कट कर लिया है, एक शिमला मिर्च को कट कर लिया है, एक गाजर को ग्रेटेड कर लिया है। पैन को हमने मीडियम फ्लेम में रखा है। अब हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ग्रेटेड किया हुआ आलू ऐड करेंगे। इसको हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसके बाद एक प्याज स्लाइस की हुई ऐड करेंगे। और इसी के साथ बंद गोभी ऐड करेंगे। शिमला मिर्च और गाजर डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है, बस 1 मिनट या 2 मिनट तक पकाना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक रोटी लेंगे, इसमें हम वेजिटेबल्स मसाला ऐड करेंगे। हमने वेजिटेबल्स मसाला डाल लिया है। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ऊपर से इस तरह थिन स्टिक लगा देंगे। इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम में हीट कर लिया है। ऑयल में हम स्प्रिंग रोल डालेंगे। इसको हमें लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ से फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी की रोटी स्प्रिंग रोल को भी तैयार कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर फ्राई हमने कर लिया है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। हमारी स्प्रिंग रोल तैयार है। जब भी आपका फटाफट से कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो आप बची हुई रोटी से ये बनाइए और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप ज़रूर से बना के खाइए।
इसको टमाटो केचप और मेयोनीज के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।